नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। खबर यूपी के मथुरा से, जहां भगवान के दर पर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां राधा रानी मंदिर परिसर में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर के चौकीदार और रसोइये पर रेप का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं। दरअसल ओडिशा की रहने वाली महिला श्रद्धालु बरसाना घूमने आई थी, लेकिन तभी रात के अंधेरे में मंदिर के चौकीदार और रसोइये ने उसे दबोच लिया। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पहले महिला की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो मंदिर का रसोइया था, एक को हमी जानी और एक को तो जानी ना हमी। जी जी जी। फिर आज हमी जानी ओखाने सीढ़ी पर उतर के जाए छे तो अमी को दिखी। फिर वो को बोली तो बाबा को, फूल वाले बाबा को बस बताई कि वो एक नाम किया छे। अच्छा, बोली कि कन्हैया उसका नाम। अच्छा, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है? वो पुलिस इच्छा ही ना, उसका इच्छा ही ना। अच्छा। जे मन की अमी। अच्छा, आज की भाप की कौन दिखी? कोई भाप की दिखी ना। जी जी। चाहे जो पुलिस वाला को लड़की की जो हो जाए वो कुछ सब कुछ कर देगा, लेकिन साधारण नारी का कुछ कुछ तो ना। मंदिर के एक रसोइया और एक चौकीदार ने उनके साथ रेप किया है, उसके संबंध में उनसे तहरीर ले ली गई है। उनको लेकर के हम लोगों ने अपनी टीम गठित कर दी गई है। जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने नाम बताया उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज हो रहा है। पहले टीमें रवाना कर दी गई, जहाँ जहाँ लोग रहने वाले हैं वो लोग को पता लगा के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में हमेशा रहती है, लेकिन मंदिर में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो महिलाएं कहां सुरक्षित हैं, ये सवाल अपने आप में। रुक करते हैं अगली खबर का। राम रहीम की करीबी हनीप्रीत का राजदार दिलावर इंसा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उम्मीद है कि दिलावर से पूछताछ में राम रहीम से जुड़े कई राज से पर्दा उठ सकता है। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उस जगह का जायजा लिया जहां दिलावर छिपा हुआ था। वही मकान है जहां से गुरुवार की शाम एसआईटी पंचकुला की यहां पर पहुंची और यहां से उसने दिलावर इंसा को गिरफ्तार किया। उसकी पत्नी भी उस वक्त उसके साथ में थी। दोनों को गिरफ्तार करके एसआईटी की टीम वापस पंचकुला ले गई जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो जानकारी हमें पुलिस से मिली है उसके मुताबिक दिलावर गुरमीत राम रहीम के बेहद करीबी लोगों में एक था। 12th पास करने के बाद ही दिलावर डेरे में चला गया था सिरसा के, और वहीं से उसने अपनी बाकी की एजुकेशन की, वहीं से उसने ग्रेजुएशन किया, मास कम्युनिकेशन किया, पीएचडी की, वहीं पर फिर स्कूल में वो पढ़ाने लगा और फिर इंटरनेशनल स्कूल जो डेरा का है उसका पूरा इंचार्ज बना दिया गया। यहां तक कि जो फिल्में बनती थी डेरा की, जो अपनी फिल्में बनती थी गुरमीत राम रहीम की, उसमें भी इसका कुछ अहम रोल हुआ करता था। जो एंकरिंग वगैरह की अगर कोई चीजें आती थी, चूंकि मास कम्युनिकेशन किया हुआ था दिलावर ने, तो वो इसको वो हिस्सा मिलता था। ये काफी काम गुरमीत राम रहीम का देखा करता था और यही वजह है कि हनीप्रीत के भी बेहद करीब आ गया था। आरोप ये है कि जब दोषी करार दिया गया गुरमीत राम रहीम को कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद एक साजिश रची गई थी जिसमें गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से ही भगाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें दिलावर भी शामिल था। अब इसके बाद से ही पुलिस लगातार दिलावर के पीछे पड़ी हुई थी और गुरुवार को पुलिस को पता लगा कि दिलावर अपने मौसेरे भाई पवन के यहाँ आदर्श कॉलोनी में गोहाना इलाके में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची और उसने दिलावर को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया और सीधे पंचकुला लेके गई। अब पुलिस का ये जो कामयाबी को बड़ी बता रही है, पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से न सिर्फ इस साजिश जो रची गई थी उसका खुलासा होगा, बल्कि चूंकि ये भी जानकारी है कि दिलावर हनीप्रीत से लगातार संपर्क में था, तो हनीप्रीत कहां रही, जिस दिन से वो फरार है, किन किन कहां कहां वो रही, किस तरीके से वो फरार हुई, इस वक्त वो कहां है, ये सारी जानकारी भी पुलिस को दिलावर के जरिए मिल सकती है। कैमरामैन रविकांत तोतावार और पवन राठी के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत आज तक। गुरमीत राम रहीम जेल में बंद है सलाखों के पीछे रेप के आरोप सिद्ध होने के बाद, लेकिन एक और बाबा जेल में बंद है रेप के ही आरोप में, आसाराम। लेकिन उनसे जब सवाल ये पूछा गया कि आप संत हैं या कुछ और, तो जवाब क्या दिया, उन्होंने सुनिए।
पेशी के दौरान भड़का आसाराम, मीडिया के सवाल पूछने पर भड़का आसाराम ने माना मैं गधा हूं। इलाहाबाद में सनातनी संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने आसाराम को फर्जी क्या घोषित किया, बाबा का दिल टूट गया। धर्म के नाम पर तमाशा कर करके आसाराम ने संत का जो तमगा हासिल किया था उस पर फर्जी का ठप्पा लग गया। बलात्कारी कहे जाने पर आसाराम को उतना दुख नहीं हुआ होगा जितना वो फर्जी बाबा घोषित किए जाने से परेशान हो उठा है। जोधपुर की अदालत में पिछली कुछ पेशियों में आसाराम के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थी। कोई भी सवाल पूछने पर आसाराम चुप रहने का इशारा करके आगे बढ़ जाता था, लेकिन आखिरकार उससे नहीं रहा गया और दिल का दर्द कुछ यूं बाहर आया। कुछ भी बोलेंगे तो उल्टा ही बोलते हैं। कौन बोलेगा बाबू? कोई नहीं बोलते हैं, बहाना बना के लोग बोलते हैं बाबू। ये तुम्हारे मीडिया वाले अखाड़ा परिषद वाले भी तो फर्जी बोलते हैं बाबू, अखाड़ा परिषद वाले भी तो फर्जी बोल रहे हैं ना। अखाड़ा परिषद के सवाल पर आसाराम भले ही आगे बढ़ गया हो लेकिन उसका दर्द साफ झलक रहा है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी करतूतों के कारण अब रही सही इज्जत भी खत्म होने को है। तभी तो आसाराम खुद को कोसने लगा है। आसाराम भले ही 4 साल से जेल की सलाखों में बंद हो लेकिन अपने बारे में मीडिया के खबरों से पूरी तरह अपडेटेड है। ऐसा लगता है कि जेल में उसे अपने बारे में चल रही खबरों की पूरी जानकारी मिलती रहती है। एक बार फिर से सुनिए आसाराम का वो बयान जिसमें उसने खुद ही इशारा किया कि उसे अपने बारे में चल रही खबरों की पूरी खबर है। कुछ भी बोलेंगे तो उल्टा ही बोलते हैं। कौन बोलेंगे बाबू? कोई नहीं बोलते हैं, बहाना बना के लोग बोलते हैं बाबू। ये तुम्हारे मीडिया वाले। वैसे फर्जी बाबा घोषित किए जाने के अलावा आसाराम की परेशानी की एक और वजह है और वो वजह है ये था। लेकिन पापों का हिसाब हुआ और राम रहीम आज जेल की सलाखों में बंद है। जाहिर सी बात है कि आसाराम को राम रहीम की कहानी भी अच्छी तरह से पता होगी। उसे राम रहीम में अपना चेहरा दिखता होगा। उसे पता होगा कि कानून की चक्की ने जब राम रहीम के करोड़ों साम्राज्य को नहीं छोड़ा तो आसाराम क्या चीज है। आज तक ब्यूरो। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर हैदराबाद से सामने आई जहां पर एक बेबस लाचार महिला अपने 10 साल के बच्चे के शव के साथ पूरी रात उसे बाहर बारिश में भीगते हुए गुजारनी पड़ी। वजह आप सुनेंगे ऐसा क्यों हुआ तो आपको मन में भी सवाल आएगा कि क्या वाकई इतना गिर गया है इंसान। दरअसल मकान मालिक ने ये कहते हुए शव को अंदर नहीं ले जाने दिया कि उनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई है और ऐसे में घर में शव रखना अपशकुन होगा। हालांकि कुछ स्थानीय लोग जरूर वहां पर थे जिनका दिल पसीजा, दया उन्होंने दिखाई और त्रिपाल की व्यवस्था की और ताबूत लेकर आए। महबूब नगर जिले की ये महिला पिछले 4 साल से अपने दोनों बेटों के साथ किराए के इस मकान पर रह रही थी।